बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहम खबर से आपको अपडेट करने जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की तारीख में तब्दीली कर दी गई, नई तारीख सामने आ गई। रोयत हिलाल कमेटी महकमा मौसमियात की जानिब से कन्फर्मेशन भी सामने आ गई। नाज़रीन, आपको बताते चले, इस वक्त मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियाँ उरूज पर हैं। रमज़ानुल मुबारक की शुरू होने में सिर्फ चंद दिन ही बाकी है। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें अगर सही मानों में इबादत की जाए तो इंसान जन्नत का मुस्तहिक भी ठहरता है। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ कौन से दिन से होगा, कौन सी तारीख से होगा, पहला रोज़ा कौन सी तारीख को रखा जाएगा, महकमा मौसमियात, रोयत हिलाल कमेटी के माहिरीन, जय्यद उलमाए किराम, माहिरीन फलकियात और साइंसदान एक पेज पर। तो इंतज़ार की कड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। 22 मार्च को रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा। 22 मार्च को 98% चांसेस बताए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से कि चांद नज़र आ जाएगा। 98% चांसेस जब भी बता दिए जाते हैं महकमा मौसमियात की जानिब से तो चांद वाकई नज़र ही आ जाता है। 22 तारीख को चांद नज़र आने की सूरत में पाकिस्तान भर में 23 मार्च 2023 को इंशाल्लाह पहला रोज़ा रखा जाएगा।